गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. यस गुड इवनिंग. हम लोग पिछले क्लास में एलिमिनेशन मेथड कर लिया था हम लोगों ने, और डाउट्स वगैरह भी तुम लोग के काफी सारे थे वो हम लोगों ने किए थे. आज हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है नया मेथड सीखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको कहते हैं. सो आज की क्लास में वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. पहले समझ लीजिए, अपना अपना कैमरा सब लोग ऑन कर लें और अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. और सेकेंड इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. सो ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले x लिख लेंगे, जो भी यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है x, जो दूसरा वेरिएबल है y, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसके लिए हम लोग यहाँ वन लिख लेते हैं. एक्स वाई और वन करके लिख लेंगे. एक्स के बाद राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है बी वन और बी टू, इसको हम लोग यहाँ पे बी वन. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. उसके बाद बी वन बी टू के राइट में क्या है कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट टर्म सी वन और सी टू लिखा है. अब इसके राइट में कुछ नहीं है तो हम लोग वापस क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे. यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, ए वन और ए टू है, तो हम लोग यहाँ पे ए वन और ए टू लिख लेंगे. और उसके बाद फिर से वापस बी वन बी टू लिख कर हम लोग रुक जाएंगे, राइट. और फिर हम लोग क्रॉस करके टेबल इस तरह से क्रॉस क्रॉस करके एरो बना लेंगे, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, फिर C1 से A2 के तरफ, C2 से A1 के तरफ, A1 से B2 के तरफ और A2 से B1 के तरफ. ये एरो बनाने के बाद अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में. X जो यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ जाते हैं, और जब नीचे से ऊपर आते हैं तो नेगेटिव साइन हो जाता है. तो B1 into C2 minus of B2 into C1. ऊपर से नीचे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर नेगेटिव. उसी तरह y डिवाइडेड बाय c1 into a2 पॉजिटिव माइनस ऑफ c2 into a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 into b2 माइनस ऑफ a2 into b1. ये करके हम लोगों ने ये इक्वेशन लिख लिया. अब ये जो इक्वेशन है इसमें अगर x के लिए सॉल्व करना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं. तो अगर इसको इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस ऑफ a2 b1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे राइट साइड में, तो x क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. तो ये चीज यहाँ पे लिखा है. और उसी तरह जब सेकेंड, रुक जाओ बालक, रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ अभी. कितनी बार ही बोला है जब पढ़ा लें है ना तब फिर टोका करो. एक तो तुम लेट ज्वाइन किए मेरे ख्याल से. यहाँ पे सुनो अभी, अब जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 है ना, दिस ये जो पूरी चीज है ये राइट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके. C1 A2 minus C2 A1 divided by A1 B2 minus A2 B1. तो ये हम लोग X और Y का वैल्यू निकाल रहे हैं. अभी तो हम लोग जनरल टर्म में लिख के बता रहे हैं, अगला जो एग्जाम्पल लेंगे वहां पे हम लोग वैल्यूज लेके सॉल्व करके मैं बताऊंगा. पहले फटाफट इसको लिख लो. अब तुम बोलो तुमको क्या प्रॉब्लम है बालक. नहीं सर, आई वाज आस्किंग कि हम क्या कर रहे हैं. तो एक तो तुम लेट क्यों ज्वाइन किए हो. सर वो नेटवर्क कुछ इशू था. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोगों ने स्टार्ट किया था. ओके सर. यहाँ पे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास a1x plus b1y plus c1 is equal to 0.
दूसरा इक्वेशन है A2x plus B2y plus C2 is equal to. अब इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये डायग्राम जो एरो डायग्राम दिख रहा है तुम्हें वो बनाने के लिए हम लोग पहले वेरिएबल x लिख लेते हैं, वेरिएबल y लिख लेते हैं और कांस्टेंट के लिए 1 लिख लेते हैं. उसके बाद जो x के बाद जो ये हमारे पास कोफिशिएंट है, जो x का टर्म है उसके बाद जो y का टर्म का जो कोफिशिएंट है वो उससे स्टार्ट करते हैं. b1 और b2 यहाँ लिख लेंगे. उसके राइट में जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट टर्म c1 और c2. उसके राइट में तो कुछ है नहीं तो हम वापस फिर स्टार्ट पे जाते हैं. स्टार्ट पे जाते हैं तो कोफिशिएंट a1 और a2 लिखते हैं और उसके बाद उसके राइट में फिर से वापस आएंगे तो b1 और b2 पे आके रुक जाएंगे. ये करने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर आएंगे तो नेगेटिव. तो b1 c2 माइनस b2 c1 कर रहे हैं. उसी तरह y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. ऊपर से नीचे पॉजिटिव होता है, नीचे से ऊपर नेगेटिव होता है. इस चीज का ध्यान रखना. ओके सर. और उसी को लिख के, लिखने के बाद फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया तो x का वैल्यू आया, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व किया तो y का. बीच में मत टोका करो. बीच में क्या है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे तो फिर बीच में उनका छूट जाएगा. तुमको दोबारा हम बता देंगे. हरित, तुमको आया समझ? यस सर. कैमरा ऑन करो अपना. यस सर. 2 मिनट कर रहा हूँ. स्टार्ट में क्यों नहीं करता है? हमको बताना क्यों पड़ता है? सर कह रहा हूँ स्टार्ट में क्यों नहीं करके रखते हो, बताना क्यों पड़ता है? बालक सर कर रहा हूँ. करो फिर स्वयं. सर मैं भी कर रहा हूँ, एक मिनट सेटअप करना पड़ता है ना. अरे तो क्लास के पहले करके बैठा करो ना, पता है हम बोलेंगे तो अब तक तो आदत हो जानी चाहिए सारे इंतजाम. लिख लिया सभी ने? यस सर. नो सर. Please write everyone and write and let me know once you have written. लिख लिया? लिख के बताओ. लिख लिया बच्चों? यस सर. यस सर. अब लेट्स से हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं और उसको एग्जांपल को इस तरह से सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यू हमारे पास आता है कि नहीं. ठीक है. सो लेट्स से जो हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35 और दूसरा है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. अब इसको जब हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, राइट. तो हमारा जो इक्वेशन होगा 5x प्लस 3y माइनस 35 सॉरी माइनस 35 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन होगा 2x प्लस 4y माइनस 28 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन.
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में आप ध्यान दो, पेन रख दो, लिखने के लिए समय देंगे अलग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में हम लोगों ने क्या बोला था, x, y और 1 लिख लो। x के मतलब जो पहला जो x के बाद जो कोफिशिएंट आता है, यहाँ पे b1 b2 क्या है, 3 और प्लस 4 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, मतलब जो y का कोफिशिएंट है उससे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो कांस्टेंट है उसको यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या है, -35 और -28। उसके बाद हम लोग जो x का कोफिशिएंट, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो फिर 5 और 2 लिखेंगे जो x का कोफिशिएंट है, और बाद में जाके y का जो कोफिशिएंट है वो फिर से लिख लेंगे 3। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब x है, y है, 1 है, एक एक करके हम लोग लिखेंगे x, और उसके डिनोमिनेटर में x डिवाइडेड बाय 3 इंटू -28 है ना। ऊपर से नीचे जाते हैं तो पॉजिटिव साइन ही रखते हैं, बाद में जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव साइन साथ में लगाएंगे, तो 3 इंटू -28 माइनस ऑफ 4 इंटू -35, दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो -35 इंटू 2, इसके बाहर एक पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव ऑफ -28 इंटू 5, समझ में आ रहा है सबको, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 -2 इंटू 3। क्लियर है सभी को? हरित तुम्हारा 2 मिनट हुआ नहीं अभी? सर हमने यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाया? नेटवर्क थोड़ा धीरे, सर नेट थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा इसलिए नहीं हो रहा सर। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे बेटा? सर हमने यहाँ सभी के बीच में माइनस का साइन क्यों लगाया? अरे तो वही तो किया था भैया, 3 इंटू, मतलब यार ये जब हम लोग लिखे थे A1 और A2 पीछे कॉपी में लिखे हो ना, उसको गौर से देखो क्या लिखा है, यहाँ से जब इधर जा रहे थे तो A1 into B2 minus A2 into B1 कर रहे थे जब नीचे से ऊपर जा रहे थे, तो सर, लगाना पड़ेगा ना। ठीक है सर। Is everyone clear about this step? Yes sir। अब इसको थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड थोड़ा सा लिखते हैं, इसको बेटर फॉर्म में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो x डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 3 इंटू -28 करेंगे पहले, सो 3 इंटू 28 84 होता, -84 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, 35 इंटू 4 इज 140। दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -35 इंटू 2 इज -70 एंड 28 इंटू 5 इज 140 हो जाएगा, और प्लस 140 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 20 -6। अब देखो 140 -84 करेंगे 56 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 14। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 56 ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 14 विच इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 14 विच इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। सभी को मेथड आ गया समझ? हाँ
यस लिख लो बेटा. अद्वित व्हाई इज योर कैमरा ऑफ बेटा? सर इट सेज आई नीड टू टर्न ऑफ ज़ूम टू इनेबल कैमरा. यू हैव टर्न ऑफ द ज़ूम टू इनेबल कैमरा. व्हाई? Sir, I think I'll have to quit, then enable the camera setting and then turn it back on. नहीं वो साइड में होता है, तुम वहीं पर से कर सकते हो. हाँ जी सर, when I go there it says quit zoom and then I have to enable it from settings sir. चलो अभी इसको लिखो पहले. डन सर. हमने लिख लिया बच्चों? यस 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 सर. नाउ लेट अस डू द फर्स्ट एग्जांपल. सो फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर If we buy two tickets to Malleshwaram and three tickets to Yeshwanthpur, okay, Bangalore mein do jagah hain. Ab from a bus stand in Bangalore, if we buy two tickets to Malleshwaram and three tickets to Yeshwanthpur, the total cost is 46. But if we buy three tickets to Malleshwaram and five tickets to Yeshwanthpur, the total cost is rupees 74. Now find the fares from the bus stand to Malleshwaram and to Yeshwanthpur. So, pehle to equation form karna hoga. So let the fare from bus stand to Malleshwaram be X and fare from bus stand to Yeshwanthpur By. अब टू टिकट्स टू मलेश्वरम मीन्स 2x, थ्री टिकट्स टू यशवंतपुर 3y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज 46. सेकेंड इक्वेशन थ्री टिकट्स टू मलेश्वरम 3x, फाइव टिकट्स टू यशवंतपुर 5y इज इक्वल टू 74. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए उसको LHS में लेके आ जाते हैं. 2x plus 3y minus 46 is equal to 0, first equation. दूसरा 3x plus 5y minus 74 is equal to 0, ये सेकेंड इक्वेशन. अब हम लोग यहाँ पे x, y और 1 लिख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं जो y का कोफिशिएंट है b1 b2 से. तो ये 3 और 5 लिख लिया. c1 c2 इज minus 46 और minus 74. a1 a2 इज 2 एंड 3 एंड b1 b2 इज अगेन 3 एंड 5. अब यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस 74 माइनस और y डिवाइडेड बाय माइनस 46 इंटू 3 minus of minus 74 into 2.
1 divided by 2 into 5 minus 3 into 3. X divided by 2 to 2 plus 2 3 0. Is equal to Y divided by minus 1 3 8 plus 1 4 8. 1 divided by 10 minus 9. इससे हमारा वैल्यू आ जाएगा x divided by 8 is equal to y divided by 10 is equal to 1/1. Now, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो x is equal to 8 आ जाएगा, और सेकेंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो y is equal to 10 आ जाएगा. So that, so बस स्टैंड से मलेश्वरम तक का फेयर 8 रुपीज है, और बस स्टैंड से यशवंतपुर तक का फेयर 10 रुपीज. क्लियर बच्चों? मेथड आ गया समझ में? यस सर. यस सर. प्लीज राइट दिस डाउन. Sir, written. सभी ने लिख लिया बच्चों? Sir, just a second. Written, sir. Yes, sir, written. Next question is, for which values of p does the pair of linear equation given below has unique solution? ये तो हम लोगों ने कर रखा है unique solution के लिए क्या करना होता है. So for unique solution a1 by a2 should not be equal to b1 by b2, right? So for yes. Unique solution, a1 by a2 is not equal to b1 by b2. 4 by 2 is not equal to p by 2. Cross multiply kar lenge. 4 into 2 by 2 is not equal to p. Or that means p is not equal to 4. This is the equation. This is the answer basically. So for all values of p which is not equal to 4, this pair of linear equation will have unique solution. सर तो बस इतना ही उसका आंसर होगा. ज्यादा लिखना चाहते हो लिख. फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एक्सेप्ट 4 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन will have a unique solution. Clear, bachcho? Yes, sir. Mule likh rahe ho ki bas kha rahe ho? Sir, dono kar raha hu, sir. Likh to rahe ho na, matlab khana bura nahi hai, matlab saath mein likhte raho. Nahi sir, dono ek saath kar raha hu. ये मानविक का तुमको बीमारी लगी. सर मसालेदार पेन हो गया है सर मेरा. पेन भी चाट लेना फिर थोड़ी देर में. नहीं सर वो दूर. लिख लिया सर ने? यस सर.
अभी थोड़े देर में मानविक गायब हो जाएगा, आ गया तो मानविक बोलेगा कि हम सर खाना खाने चले गए थे, कुछ खाने चले, भूख लग गई। 16th question है, for what values of k will the following pair of linear equation have infinitely many solutions? Infinite solution के लिए क्या condition होता है? b1 by b2 is equal to c1 by c2. चलो तुम बच गए, मैंने बता दिया इसने। So for infinitely many solutions, हमारे पास कंडीशन होता है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. a1 by a2, a क्या है? k upon 12, ठीक है? a1 k हो गया, a2 12 हो गया, b1 b2 3 upon k is equal to 3 upon k is equal to c1 by c2. So this is minus of k minus 3 divided by minus k. Minus minus plus हो गया। अब first और two को solve कर लो, इन दोनों को solve कर। पहले first second को solve करेंगे तो क्या आएगा? Cross multiply करके k square is equal to 12 into 3. So k square is equal to 36. इससे k का value क्या आ गया? Plus minus 6 आ गया। है ना बच्चों? अब yes, sir. सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर, सेकेंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो 3 into k इज इक्वल टू k into k minus 3। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा? 3k इज इक्वल टू k² minus 3k। माइनस 3k को मतलब इसको इस तरफ लेके चले जाओ तो 0 इज इक्वल टू k² minus 6k। k कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा k-6 is equal to 0. Product of two things is 0, इसका मतलब either of them can be 0, either k is equal to 0 or k is equal to 6, दोनों में से कोई भी एक होगा, solve हो जाएगा। Yes. So k is equal to 0 से k is equal to 6 होगा। और k इज इक्वल टू, यहां पे क्या था? k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, राइट भाई? 36 का स्क्वायर रूट करोगे प्लस माइनस 6, तो यहां पे k के दो वैल्यूज थे, 6 और k इज इक्वल टू माइनस 6। अब तुमको वो वैल्यू उठाना है जो कि कॉमन है दोनों में, मतलब यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है, तो जो कॉमन वैल्यू होगा ना वही आंसर होगा। वहां पे 6 और 0 है, यहाँ 6 और माइनस 6 है, कॉमन क्या है? 6 है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू तुम लोगे, k इज इक्वल टू 6 विल बी द आंसर है। तुम इनफैक्ट फर्स्ट और थर्ड को भी सॉल्व करोगे ना, इफ यू सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड देन ऑल्सो यू विल गेट k इज इक्वल टू 6, लेट अस चेक, है ना? कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k इंटू k कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू k माइनस 3। अब ये क्या हो गया? k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k minus 36। सबको लेफ्ट साइड में लेके चलते हैं, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, k स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 6k, माइनस 6k प्लस 36, सो दिस विल बी इक्वल टू के माइनस 6 इंटू के माइनस 6, सो दैट मीन्स के इज इक्वल टू 6। और दूसरे को भी सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू 6 तीनों में आ गया, है ना? तो इसीलिए k इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। तो सीधा हम लोग फर्स्ट और थर्ड को ही सॉल्व कर देते,
तुम्हारी मर्जी है भाई, हमको सपना तोड़ना आ रहा था कि फर्स्ट और सेकंड करके या सेकंड थर्ड करके क्या आएगा, करके देखोगे तो पता चलेगा। नहीं किसी में देखोगे कि फर्स्ट फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड करके ज्यादा अच्छा आंसर आते हैं, तब तुम बोलोगे कि सर अच्छा सेकंड थर्ड को कर लेते, डिपेंड करता है क्या वैल्यू दिए। लिख लो फटाफट इसको, मानविक तुम लिख नहीं सर, लिख लिया पक्का? यस सर। तीसरा वाला भी? हाँ सर। तीसरा वाला भी, ये जो तीसरा वाला लिखा था नीचे सर, ये नहीं लिखा, पता है ना मुझे, तो तुम देख रहा हूँ, जल्दी लिखो तीसरा वाला। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। अब एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अब पहले क्या बोल रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, उनके उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 निकाल के। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा ना, तो तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा ही नहीं सकते, ठीक है? तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा सकते हैं। सो सबसे पहले तो वो चेक करेंगे, चेक ऐसे करेंगे कि a1 by a2 is equal to 1 upon 3, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, b1 upon b2 is -3 by -9, ये भी 1 upon 3 हो जाएगा, और उसके बाद c1 upon c2 this is equal to -3 by -2 which is equal to 3 upon 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, ये कौन सा केस होता है बताओ, क्या होता है सर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस, जब नो सॉल्यूशन है तो तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो यहीं पे रुक जाए, ठीक है? नो सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट एंड वी विल नॉट सॉल्व इट फॉर दैट। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो सॉल्व तो कर नहीं सकते ना। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तुम लोग करके बताओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, 5 और 8 को उधर लेके जाओ और करके मुझे अपने कॉपी में दिखाओ क्या क्या किया, देखें कितने लोग को समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
सर यूनिक सॉल्यूशन नहीं सॉल्व भी करना है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व भी करना है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ओके सर ओके स्वयं पेन मुंह में नहीं लेते हैं विद्या है उसमें सर मुंह में नहीं रस इतना देर लगना था क्या किसी से नहीं हुआ सॉल्व डन सर इफ यू हैव डन x2y1 मेथड मुझे देखना है मेथड मुझे देखना है एक सेकंड देख रहा हूं हाँ प्लीज शो मी योर मेथड हूएवर हैज सॉल्वड इट ठीक है ठीक है ठीक है भूमि देख लेना और किसने सॉल्व किया सर मेरा भी हो गया हाँ ले आओ कैमरा के पास देखें क्या किया ठीक है क्रॉस जो किया है वो कहाँ लिखा है वो नहीं लिखा वो स्टेप में गायब कर दिया वो सर जल्दबाजी में छोड़ दी मतलब ऐसे मन में ही कर लिया सर मन में करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में हाँ मानविक देख लिया मैंने आया तुम्हारा x2 और y1 यस ला रहा है सी यस सर ग्रेट एनीवन एल्स और किसका किसका रह गया नायशा विवेक भी दिखा रहे हैं विवेक x2y1 आगे आपका भी गुड विवेक देख लिया मैंने अब आलिया और शिवम दिखाएंगे अपने और नाइस जस्ट अ सेकंड और स्वयं दिखाएगा हरित तुख तो पता नहीं हरित अटेंड कर रहे हो कि कहीं और बैठे हो फोन पे चैटिंग वैटिंग तो नहीं हो रही है नहीं सर मैं कर रहा हूँ अटेंड अच्छा आलिया हो गया शिवम यस सर यस कर रहा हूँ सर कर रहा हूँ एक मिनट बस मैं टाइम लोगे एग्जाम में कैसे कर पाओगे नहीं नहीं सर बस एक जब तक तुम कर रहे हो मैं भी बता दूं लोगों को जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए a1 by a2 2 by 3 है और b1 by b2 1 by 2 है सो सिंस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 ये यूनिक सॉल्यूशन है अब ये हम लोग सॉल्व करेंगे इसको x y और 1 लिख लिया और यहाँ पे 1, 2 -5 और -8 इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये -5 इज इक्वल टू 0 और ये -8 इक्वल टू 0 फिर हमारा 2, 3 और फिर से 1 और 2 अब सडन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है मैंने भी कर लिया दिखाओ दिखाओ स्वयं
ठीक है, तुमने भी क्रॉस करके नहीं दिखाया, एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेगा। नहीं तो 1 × -8 - 8 हो गया 2, और माइनस ऑफ 2 × -5 तो -10। y डिवाइडेड बाय -15 माइनस ऑफ -16 1 डिवाइडेड बाय 4 - 3 सो दिस इज x बाय -8 + 10 इज 2 16 - 15 इज 1 1 by 1 x is equal to 2 y is equal to 1। सर एक चीज पूछना था कि कैसे कि सर ऑप्शनल एक्सरसाइज बोर्ड्स में आती है? देखो पूछने का पूछ लेते हैं, है ना, बोर्ड्स में तो आए या ना आए तुम्हारे इंटरनल्स में जरूर आए। अभी तो बोर्ड दूर है तो पहले इंटरनल में अच्छे नंबर लाओगे तभी तो फिर उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे। सर बोर्ड ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं प्री बोर्ड ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इंटरनल जो इंटरनल एग्जाम है वो भी डिफिकल्ट। बेसिकली बोर्ड उतना डिफिकल्ट नहीं होता, बोर्ड में क्वेश्चंस दे मेक क्वेश्चंस फॉर एवरीवन, पीपल हु आर देयर इन विलेजेस एज वेल एज पीपल हु आर देयर इन टाउन्स। सो विलेज स्टूडेंट्स डू नॉट गेट दैट मच ऑफ यू नो एक्सपोजर टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो इसीलिए भी बनता है, तो उनको एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया जाता है, इसीलिए एनसीईआरटी के अराउंड ही बोर्ड एग्जाम्स का पेपर। बोर्ड में जो एग्जैक्ट पेपर आता है दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट प्री बोर्ड में तो तुम्हारे टीचर्स को तुमसे बदला निकालना है, तुमने जितना क्लास में बदमाशी किया उसका बदला तो निकालेंगे ना, क्लास में बदमाशी नहीं करते तो नंबर अच्छे, मतलब क्वेश्चंस भी इजी आते, पढ़ाने कहाँ देते हो तुम लोग टीचर, वो हंगामा करके बेचारे अटेंडेंस में उनका पूरा क्लास चला जाता। And it's not one school. I have visited, you know, hundreds and hundreds of schools. I see the same thing everywhere. Be it DPS, be it any school, MET, anywhere. So I've been to many of the schools as visiting faculty for some or the other thing. कभी बुलाते हैं कि भाई इन सबको समझाओ, बच्चों को थोड़ा ज्ञान बांटो, जो तुम लोग को बांट रहे हैं फ्री में, तो वहाँ पे बांटने के पैसे, मतलब ज्ञान बांटने के भी पैसे मिलते हैं, तो वहां पे ज्ञान बांटने के लिए जाते हैं, तो वहां पे मैं देखता हूँ क्लास में टीचर प्लीज कीप क्वाइट, ये कम से कम तो 1000 बार बोलते हैं टीचर, और 1000 बार में उतने टाइम में तो मुझे लगता है कि कोर्स खत्म हो जाएगा जितने बार ये प्लीज कीप क्वाइट बोलते हैं। और ऊपर से इनको एक ये आजकल एक नया इन लोग को दे दिया है ये जो स्मार्ट बोर्ड पे लिखने के लिए, तो आधे तो उसमें लिख ही नहीं पाते, आधे टाइम इनका स्मार्ट बोर्ड नहीं काम करता रहता है, कभी किसी का जो यूएसबी ड्राइव पेन ड्राइव लाते हैं वो करप्ट रहता है, कभी कुछ करप्ट रहता है, कभी कुछ नहीं खराब होता है, तो पूरा क्लास जो है ना ऐसे ही चलता है वहाँ पे। सर और अगर किसी क्लास में बोर्ड ना हो तो सर हर हफ्ते स्विच करते रहो क्लास? हाँ सर। अच्छा ना, टाइम पास होता है कि हर क्लास को देखने के लिए मिल जाता है। वन स्कूल नेम्ड शिव नादर, is there someone from Shiv Nadar here? No one. So Shiv Nadar mein they have, you know, they think they have gone to some US kind of setup or somewhere. So every student has an iPad which has been given to them, you know, so they carry their iPad, they don't carry books and pen, you know, copies or anything. And then so ICSC board hai na? No. Shiv Nadar is CBSC. Shiv Nadar is CBSC. अभी सुनो, तो अभी और कहानी है सुनो, और उनके टीचर्स मूव नहीं करते हैं, टीचर्स का एक एक सेक्शन फिक्स्ड है, मतलब मैं अगर फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं वहीं पे एक जगह बैठा रहूंगा, बच्चे मूव करते हैं, मतलब कि आई हैव अ फिजिक्स लेक्चर, जैसे कॉलेज में हम लोग जाते थे कि अभी भाई किसी और का लेक्चर है उस प्रोफेसर का तो उसके क्लास में जाना होता था, तो वैसे ही वो बेचारे इधर उधर घूमते रहते, आधा टाइम तो वो मतलब क्लास इस क्लास से उस क्लास जाने में लगा देते हैं, मतलब रास्ते में बात कर रहे हैं, इतने भारी भारी बैग उठा के जाते हैं दूसरी क्लास में, आईपैड दे दिया भैया, बैग ही नहीं है वहां पे, तो वहां पे आधे बच्चे क्लास के बीच में कहीं और चले जाते होंगे। हाँ मतलब, और उनसे पूछते हैं टीचर की वेयर वेर यू, तो कहते हैं कि सर आई कुड नॉट फाइंड द क्लासरूम वेयर वी वर देयर, सो आई वाज लुकिंग फॉर द क्लासरूम, मस्त टाइम पास होता है, तो अच्छा है, मैं भी सोच रहा हूँ कि
अगर किसी को नहीं पढ़ना है तो यू कैन गो टू सिद्धार्थ, इट्स अ वेरी नाइस स्कूल. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड वन फटाफट करो, मेरे साथ साथ करो, है ना, मेरे से आगे निकल जाना, मैं धीरे धीरे करूंगा. सो यहाँ पे भी हम लोग पहले चेक करते हैं कोफिशिएंट्स को, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें. 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, a1 बाय a2, 3 बाय 6, 1 बाय 2, b1 बाय b2, माइनस 5 बाय माइनस 10, 1 बाय 2, c1 बाय c2 is equal to minus 20 by minus 40. This is 1 by 2. So each of these ratios are equal to 1 by 2. That means a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So yahan pe kya jayega? Infinitely many solutions. So ye because unique solution nahi hai, tum log nikal nahi sakte hai. We cannot use cross multiplication method to solve it. Clear, bachcho? Yes. Yes. Likh bhi liya sab. Yes. Yes. Sir, y equal to 4 hoga na? Out that assignment that you gave last time in homework. एक सेकंड भूमि यहाँ कौन ये y is equal to 4 कहाँ पे क्यों मेहुल क्या? सर पूछ रहा हूँ. नहीं तुम बताओ तो इसमें हम लोगों ने तो पहले तो रेशियो ही निकाला ना, तो रेशियो ही तो सेटिस्फाई, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया. इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया तब तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल ही नहीं सकते ना. सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन में या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा या कैंसिलेशन मेथड, कुछ भी लगाओगे तो तुम वापस तो लिखोगे यही कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके उसमें क्या वैल्यू निकाल के दिखाते हैं क्या? नहीं निकाल के दिखाते. ठीक है तो वहां पे बस लिख देते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. Yes, Bhumi, what did you say? Sir, I had some doubt in the assignment that you gave last time. Sir, even I have some doubts. Sir, maybe. Sir, even I have some doubts. Me too. So why didn't you tell me earlier? ये 5 मिनट में मैं कितने असाइनमेंट बता लूंगा? सर आपने सर वही स्टार्ट कर दिया सीधा. पढ़ाना भी तो है. अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको कर लेते हैं, अगली क्लास में जो दोनों सीट होंगे उसके हम लोग डाउट्स ले लेंगे. Let us do one or two more questions here and then we'll take the doubts in the next class. Fourth wala hai x minus 3y minus 7 is 0 and 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. Ab yahan a1 by a2 nikalenge 1 by 3 aa jayega, b1 by b2 nikalenge माइनस थ्री बाय माइनस थ्री दैट इज वन. सो सिंस ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, सो यहां पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट. नाउ यूनिक सॉल्यूशन है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से. एक्स वाई और वन लिख लेंगे, माइनस थ्री माइनस थ्री, माइनस सेवन माइनस फिफ्टीन, फिर वन थ्री माइनस थ्री और माइनस थ्री. एक्स डिवाइडेड बाय 45 माइनस 21, वाई बाय माइनस 21 प्लस 15 माइनस 3 प्लस 9, एक्स बाय 24 वाई बाय 6 1 बाय 6, एक्स इज इक्वल टू 24 बाय 6, वाई इज इक्वल टू 6 बाय 6 व्हिच इज इक्वल टू x is equal to 4 and y is equal to 1 is the answer. Clear, bachcho? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया क्या था? कौन सा असाइनमेंट?
असाइनमेंट सर एज वाला सर रेट सर वर्ड प्रॉब्लम्स और एज ये कर लिया आप लोगों ने लिख लिया यस सर यस सर नाउ सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है For which values of A and B does the following pair of linear equation has an infinite number of solution? Sir, so, basically infinite number of solution ke liye 2 divided by A minus B should be equal to 3 divided by A plus B is equal to minus 7 divided by minus of 3A plus B minus 2. So this is 2 by a minus b, 3 by a plus b, minus minus cancel again, 7 by 3a plus b minus 2. Cross multiply kar lete hain. First or second ko solve karoge pehle. So twice of a plus b, thrice of a minus b, 2a plus 2b, 3a minus 3b. A is equal to 5B, first equation. अब हम लोग कर लेते हैं second और third को solve. 3 times 3A plus B minus 2. 7 times A plus B. 9A plus 3B minus 6. 7A plus 7B. So, ये हमारा 9a minus 7a 2a हो गया 2a minus of 7b plus 3b is minus 4b minus 6 is equal to 0 2 common ले लोगे तो a minus 2b minus 3 is equal to 0 ये हमारा second equation हो गया अब ये substitution से solve कर लेते हैं a का value इसमें डाल देते हैं 5b 5b minus 2b is equal to 3 हो जाए, 3b is equal to 3 और b is equal to 1, ठीक है? b का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया, a वाले में पुट कर लो तो a is equal to 5 हो जाए, तो a is equal to 5 and b is equal to 1 is the answer. फिर बच्चों yes sir. Yes, sir. ठीक है इसको लिख लो जल्दी से एंड देन वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे लिखो ठीक है बाय सर थैंक यू सर ओके सर थैंक यू सर एनी होमवर्क यस आई विल गिव यू अ होमवर्क तुम लोग का जो असाइनमेंट है एट्थ वाला तुम लोगों ने कर लिया ना यस यस सर और उसके पहले क्या क्या किए हो तुम लोग सर सेवन सिक्स सेवन सिक्स सेवन यू हैव नॉट डन फोर्थ एंड दीज थिंग्स राइट नो सर नॉट येट सर जो ये समर हॉलिडे होगा सर उसमें भी आप होमवर्क दोगे क्या एक्स्ट्रा नहीं नहीं तुम्हारे जीवन फिर समर वेकेशन का मतलब क्या है ओके सर मेरा बिल्कुल ऐसा विचार नहीं है कि तुम्हारे जीवन को खराब करें मेरा ये विचार है कि तुम लोग 5 दिन थोड़ा रिलैक्स करो और उसके बाद फिर से लगेंगे क्योंकि फिर तो पूरे साल ही पढ़ना है तो समर वेकेशन तुम लोग को स्कूल से भी मिला हुआ है बट यू गाइज हैव नॉट बीन एबल टू एंजॉय दैट समर वेकेशन So I'll give you that enjoyment time. No homework. Okay, sir. Thank you. So तुमको 7 questions तक करना है ये assignment 4 में 1 से लेके 7 तक.
ओके सर बाय सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर